हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल एनपीसी ज्ञान भंडार सब्सक्राइब माय चैनल एनपीसी ज्ञान भंडार एंड अल्सो टेप दी बेल बटन फॉर अपडेट्स माय सेल्फ निर्मल प्रजापति ऑनलाइन क्लासेस बाय एनपीसी ज्ञान भंडार क्लास फाइव टू टेन सब्जेक्ट मैथ साइंस एंड कंप्यूटर ऑफ एनी बोर्ड आई सी जैक और एनी स्टेट बोर्ड ऑफ इंग्लिश मीडियम Class 11th and 12th subject physics, math, and computer science of any board, (SSC, CBSC, JEC, or any state board of English medium. For more information, contact on my WhatsApp number 9431703940. And note personal online video classes also given here that are charge chargeable. COVID 19 Stay at home, study at home. दिस इज़ फॉर क्लास फाइव इस चैप्टर में हम लोग रिवाइज करेंगे जो आप लोग क्लास फोर में पढ़ चुके हैं ओके okay? तो चलिए स्टार्ट करते हैं यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वेरियस पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर ड्राॅइंग टक्स पेंट क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट इन एम एस वर्ड मेकिंग प्रजेंटेशन इन पावर पॉइंट विथ सम इंफॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क एंड इंटरनेट्स लेट्स टेक क्विक वाट वी स्टडीड इन क्लास फोर ओके okay. तो इस चैप्टर में जैसे मैंने बताया इसमें रिवीजन करेंगे क्लास फोर का जैसा कि इसमें बता रहा हूँ कि आप क्लास फोर में आप लोग टक्स पेंट में ड्राइंग वेरियस कंप्यूटर का वेरियस पार्ट्स एम वर्ड में डॉक्यूमेंट क्रिएट करना फिर प्रजेंटेशन बनाना पावर पॉइंट में और कुछ दूसरा अदर नेटवर्क और इंटरनेट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन लिए हैं आप लोग क्लास फोर में तो उसी को क्विक रिकैप करेंगे इसमें इस, इस चैप्टर में तो देख रहे हैं आप फर्स्ट है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कि के कंप्यूटर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट इज़ प्रोग्राम टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क एंड मेक यू वर्क ईजी एंड कन्वीनियंट कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो प्रोग्राम किया हुआ रहता है तो तो प्रोग्रामिंग किया हुआ रहता है कि मल्टीपल टास्क करने के लिए और वो हमारे कामों को इजी इजी वे से कंप्लीट करता है और आसानी से करता है विदाउट गोइंग डीप इनटू द मैकेनिज्म लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट विद देर यूजिज बिना डीप में जाए हुए कंप्यूटर के मैकेनिज्म के डीप में, जाए में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए उसको जाए बिना हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कंप्यूटर का देख रहे हैं आप डायग्राम बनाया हुआ है ये प्रिंटर है प्रिंटर क्या है आउटपुट डिवाइस है स्पीकर आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है सी है जो प्रोसेस करता है की माउस ये इनपुट डिवाइस है ओके तो इनपुट डिवाइस इनपुट डिवाइसेस आर दी हार्डवेयर डिवाइस दैट सेंड डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर मतलब इनपुट डिवाइस वो होता है जो क्या करता है डेटा को सेंड करता है हार्डवेयर तक ओके okay? दैट इज़ फर्दर सेंड टू सी पी यू सी पी यू मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फॉर प्रोसेसिंग और फिर वो इनपुट डेटा कहाँ जाता है सी पी यू में जाता है प्रोसिंग प्रोसेसिंग के लिए ओके एंड एग्ज़ाम्पल ऑफ़ इनपुट डिवाइसेज इंक्लूड की बोर्ड माउस स्कैनर एक्सेट्रा और एग्जाम्पल है इनपुट डिवाइस का की बोर्ड माउस प्रिंटर एटीसी ओके सब सारे क्या है इनपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस क्या करता है इनपुट लेता है और प्रोसेस के लिए प्रोसेस होने के लिए वो सी पी यू तक भेज देता है डेटा को ओके okay? नेक्स्ट है हमारा आउटपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस आर यूज टू सेंड डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर और यूजर टू द अदर आउटपुट डिवाइस क्या करता है आउटपुट डिवाइस किस लिए यूज़ होता है डेटा को सेंड करने के लिए वन कंप्यूटर और वन यूजर से दूसरे तक ओके okay? इट इज़ वे ऑफ डिस्प्लेइंग द डेटा ये क्या ये क्या करने का तरीका है ये डेटा को डिस्प्ले करने का तरीका है जो प्रो आ, प्रोसेस होने के बाद जो डेटा बना जो जन्फॉर्मेशन बना उसको डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है ओके एग्जांपल इंक्लूड्स मॉनिटर प्रिंटर एट्सट्रा और आउटपुट डिवाइस के एग्ज़ाम्पल क्या है मोनीटर प्रिंटर एट्सट्रा ओके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइस स्टोरेज डिवाइसेस आर कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइस यूज्ड फॉर स्टोरिंग पोर्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग डेटा फाइल्स स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जो किस लिए यूज होते हैं स्टोरिंग के लिए कुछ भी डेटा हो डेटा प्रोसेस होने के बाद उसको स्टोर करना पड़ता है तो स्टोरिंग के लिए फिर पोर्टिंग पोर्टिंग के लिए होता है पोर्टिंग मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए और एक्सट्रैक्टिंग डेटा फाइल्स डेटा फाइल को एक्सट्रैक्टिंग करने के लिए एक्सट्रैक्ट मतलब निकालने के लिए यानी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए ओके इट होल्ड्स द डेटा टेम्परली एंड परमानेंटली एंड कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल टू द कंप्यूटर एग्जाम्पल इंक्लूड पेन ड्राइव हार्ड डिस्क एटसेट्रा और ये डेट ये क्या होता है डेटा को परमानेंटली या टेम्परली तेम, या परमानेंटली होल्ड कर सकता है और ये इंटरनल और एक्सटर्नल कंप्यूटर के इंटरनल में भी हो सकता है एक्सटर्नल में भी हो सकता है एग्जाम्पल तो क्या क्या है पेन ड्राइव्स हार्ड डिस्क एटसेट्रा ओके नेक्स्ट है प्रोसेसिंग डिवाइस ए प्रोसेस ए प्रोसेस इज एन इंस्टांट ऑफ ए प्रोग्राम रनिंग इन ए कंप्यूटर एक प्रोसेस एक प्रोसेस क्या होता है प्रोग्राम का को कोई इंस्टेंट होता है मैं कोई एक पार्ट होता है जो कंप्यूटर कंप्यूटर में रन हो रहा है वही उसी को प्रोसेस बोलेंगे ओके इट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेट ऑफ इनपुट्स टू मीनिंगफुल आउटपुट्स ये क्या होता है ये प्रोसेस होता है किसका मतलब जो हम लोग इनपुट्स दिए हैं वो क्या हो रहा है ट्रांसफॉर्म हो रहा है ट्रांसफॉर्म हो रहा है मतलब मीनिंगफुल बन रहा है धीरे धीरे वो इनपुट जो डेटा है वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रहा है तो वो प्रोसेस होने के बाद होता है ओके फिर एग्जाम्पल इंक्लूड सी पी यू सी पी यू क्या है एक प्रोसेसिंग डिवाइस है जैसे हम लोग कुछ भी दिए कोई इनपुट्स डेट टू और प्लस फिर थ्री तो टू प्लस थ्री क्या करेगा फाइव करेगा तो टू लिया पहले फिर प्लस देना पड़ेगा फिर थ्री देना पड़ेगा तब जाके वो समझेगा कंप्यूटर कि के हमको ऐड करना है तब जाके प्रोसेस होगा और फाइव आउटपुट दिखाएगा ओके तो इस तरह से प्रोसेस होता है नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू विंडो सेवन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द इंटरफेस बिटवीन वेरियस हार्डवेयर डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इंटरफेस होता है मतलब इंटरफेस मतलब क्या एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से इंटरफेस करता है मतलब ये उसकी इंस्ट्रक्शंस को समझता है दूसरा हार्डवेयर ओके तो ये हार्डवेयर्स के बीच में क्या है ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है इंटरफेस करता है मतलब इसके बातों को उसको समझाता है उसको इट आल्सो एक्ट्स द इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है ये विंडो सेवन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो क्या करता है इंटरफेस करता है किस में कंप्यूटर और यूजर में मतलब कंप्यूटर की भाषा को यूजर को समझाता है और यूजर की भाषा को कंप्यूटर को समझाता है विंडोज सेवन इज जी पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड रिलीज ऑन ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू अक्टूबर टू थाउजेंड नाइन ये विंडो सेवन एक पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डेवलप किया हुआ किसके द्वारा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा और कब रिलीज हुआ था यह ट्वेंटी अक्टूबर टू को ओके okay? तो नेक्स्ट देखते हैं एम एस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एम एस वर्ड इज़ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम विच अलोज़ दी यूज़र टू टाइप एंड शेप डॉक्यूमेंट एम एस वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो यूजर को अलो करता है मतलब पर मतलब परमिशन देता है या फिर यूजर उसमें टाइप कर सकता है और सेव कर सकता है डंट बना करके ओके एम एस वर्ड के थ्रू ए वर्ड प्रोसेसर इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स फॉर्मेटिंग एडिटिंग इनपुट एंड आउटपुट ऑफ टेक्सट विध वेरियस अदर फीचर एक वर्ड प्रोसेसर क्या होता है वर्ड प्रोसेसर एक कंप्यूटर प्रोग्राम से होता है जो क्या क्या प्रोवाइड करता है फॉर्मेटिंग मतलब कुछ भी फॉर्मेट मतलब अलग अलग फॉर्मेट में हम लोग उसमें टेक्सट को एडिट कर सकते हैं क्रिएट कर सकते हैं फिर एडिट कर सकते हैं फिर इनपुट और आउटपुट दे सकते हैं टेक्स्ट का और अलग अलग बहुत सारा फीचर्स होता है ओके इट कंटेंट्स एडिशनल फीचर्स सच एज थीम स्मार्ट आर्ट एंड स्टाइल एट्सट्रा फॉर मेकिंग इम्प्रेसिव एंड प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट इसमें क्या क्या एडिशनल फीचर्स होते हैं इसमें हम लोग थीम्स डाल सकते हैं स्मार्ट आर्ट्स डाल सकते हैं फिर स्टाइल अलग अलग होता है ओके okay, फॉर किसलिए डॉक्यूमेंट को इम्प्रेसिव मतलब आकर्षण बनाने आकर्षक बनाने के लिए और प्रोफेशनल लुक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ओके एम एस वर्ड टू थाउजेंड सेवन विंडो इज सोन बिलो ये एम एस वर्ल्ड का टू थाउजेंड सेवन वर्जन का विंडो जो है शो किया हुआ है देख रहे हैं आप कंपोनेंट ऑफ एम एस वर्ड विंडो देख रहे हैं सबसे ऊपर में क्विक टूल क्विक एक्सेस टूल बार है ऑफिस बटन है स्टेटस बार है टाइटल बार है रिबन है रूलर है वर्टिकल स्क्रॉल बार है व्यू बटन है जूम स्लाइडर है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है वर्क वर्क स्पेस एरिया है तो ये जो विंडो है उसके पार्ट्स हैं ओके तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है टू तो अप्लाई फॉर्मेटिंग टू अ डॉक्यूमेंट मतलब कैसे हम लोग फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे डॉक्यूमेंट में वी कैन चेंज फ्स फेस साइज एंड अप्लाई बोल्ड फेस इटाली साइज और अंडरलाइन आउट टेक्स्ट फॉर हाईलाइटिंग एंड इम्पोटेंट कॉन्टेंट और कॉन्टेंट एंड प्रजेंटिंग इट इन ए बेटर स्टाइल मतलब हम लोग फ्रॉन्ट फेस अलग अलग लगा सकते हैं जैसे कर्सिव में लिख सकते हैं सिंपल वे में लिख सकते हैं स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं फिर साइज़ उसका छोटा बड़ा कर सकते हैं फिर बोल्ड फेस अप्लाई कर सकते हैं मतलब बोल्ड लेटर में जैसे बुक में दिया हुआ है ना एक bold, आ, पिंक को कलर में लिखा हुआ है हेडिंग फिर ब्लैक कलर में लिखा हुआ है जो उसका टॉपिक तो इस तरह से वो क्या ये भी कंप्यूटर के द्वारा ही किया हुआ है जो इसमें हम लोग बोल्ड जिसको हम लोग हाईलाइट करना है तो उसको बोल्ड करेंगे कलर करेंगे और अलग अलग स्टाइल डालेंगे ओके द बोल्ड फेस इज़ रिप्रजेंटेड बाई बी इटालेक्स बाई आई एंड अंडरलाइन बाई यू अंडरलाइन भी करते हैं किसी किसी चीज़ को ओके okay? तो अंडरलाइन यू से रिप्रेजेंट होता है ओके okay? नेक्स्ट है एम एस पावर पॉइंट एम एस पावर पॉइंट क्या होता है एक्चुअली एम एस पावर पॉइंट इज प्रजेंटेशन सॉफ्टवेयर दैट एनेबल्स द यूज़र टू क्रिएट एडिट एंड डिस्प्ले प्रजेंटेशन एम एस पावर पॉइंट क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये प्रजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है यूज़र को uh, प्रजेंटेशन क्रिएट एडिट और डिस्प्ले करने के लिए इनेबल्स करता है मतलब उसमें यूजर प्रजेंटेशन क्रिएट कर सकता है एडिट कर सकता है और डिस्प्ले कर सकता है इट हैज़ प्री डिफाइंड ले आउट थीम टेम्पलेट्स एंड मल्टी मीडिया टू डिज़ाइन ब्यूटीफुल प्रजेंटेशन इसमें क्या होता है प्री डिफाइंड ले आउट्स होते हैं मतलब पहले से डिफाइंड किया हुआ उसमें हुआ। से आपने डाल सकते उसको उसी में से चूज करना रहेगा आपको प्री डिफाइंड ले आउट्स रहेंगे थीम रहेगा टेम्पलेट्स रहेंगे मल्टी मीडिया रहेगा जिसमें हम लोग अपना प्रजेंटेशसन अच्छी तरह से कर सकते हैं ओके तो ये ऑलरेडी आपका सब पढ़ा हुआ है फोर्थ क्लास में सिर्फ ये रिविजन हो रहा है नेक्स्ट है इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं ऑब्जेक्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं ओके देखो इन योर इंसर्ट लाइट इन पिक्चर क्लिप आर्ट से चार्ट्स इसमार्ट आर्ट्स एट्सेट्रा यू कैन ऑल्सो रिसाइज एंड रोटेट एनी ऑब्जेक्ट ऑन इन योर प्रजेंटेशन हम लोग क्या कर सकते हैं इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट से मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्लाइड में डाल सकते हैं सपोज पिक्चर डालना है क्लिप आर्ट डालना है सेप डालना है ओके okay? चार्टस डालना है या फिर स्मार्ट आर्ट डालना है तो ये ऑब्जेक्ट्स हम लोग उसमें इंसर्ट कर सकते हैं अपने प्रजेंटेशन में और हम लोग क्या कर सकते हैं रिसाइज भी कर सकते हैं रोटेट भी कर सकते हैं अपने प्रजेंटेशन में ओके okay? फिर है नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क्स कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ वायर्ड सच एज केबल एंड वायरलेस मीडिया ओके कंप्यूटर्स क्या कनेक्टेड हैं एक दूसरे से किसके मदद से एक तो वायर की मदद से या फिर वायरलेस मीडिया से ओके okay? वायर मतलब केबल जो आते हैं ओके okay? और वायरलेस मतलब सपोज ब्लूटूथ इंटरनेट वाईफाई ओके okay? फिर इन्फ्रारेड एटसट्रा बहुत सारे हैं वायरलेस के भी कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू नेटवर्क्स फॉर शेयरिंग इंफॉमेशन एंड अदर रिसोर्स कंप्यूटर्स को नेटवर्क से कनेक्ट करने के कनेक्ट क्यों किया जाता है ताकि हम लोग उसमें इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं या फिर इंफॉर्मेशन ले सकते ले सकें फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर लैब्स और ऑफिस कंप्यूटर लैब और ऑफिस में क्या होते हैं सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं वायर के थ्रू या वायरलेस के थ्रू ओके okay? ताकि हम लोग इंफॉमेशन इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सके नेक्स्ट है इंटरनेट इंटरनेट इज़ ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स विच आर इंटरकनेक्टेड विथ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर एक्रॉस द वर्ल्ड इंटरनेट क्या होता है एक ग्लोबल नेटवर्क है मतलब पूरे वर्ल्ड में ये एक नेटवर्क है जो सारे कंप्यूटर को मिलियंस कंप्यूटर को एक साथ कनेक्टेड रखता है जिससे हम लोग इफॉर्मेशन ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं इंटरनेट में ओके इट इनेबल्स यूजर टू कम्यूनिकेट विथ इच अदर शेयर एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन सच है न्यूज़ एजुकेशन स्पोर्ट्स एक्सेट्रा जिसकी मदद से यूजर क्या करता है कम्युनिट कैट करता है एक दूसरे से सपोज कोई इंडिया के बाहर है तो उससे बात करना है तो इंटरनेट के थ्रू हम लोग बात करते हैं तो ये क्या है किससे हो रहा है इंटरनेट के थ्रू जिससे हम बात कर रहे हैं उसका भी कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है और हमारा भी कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है तभी हम लोग चैट कर सकते हैं बात कर सकते हैं फिर न्यूज़ देखते हैं एडुकेशन मतलब शिक्षा लेते हैं फिर स्पोर्ट्स यहाँ तक कि ऑनलाइन आजकल गेम भी खेलते हैं तो ये सब इंटरनेट की मदद से हो रहा है नेक्स्ट है यूजेज ऑफ इंटरनेट फॉर इंफॉर्मेशन गेटिंग इलेक्ट्रॉनिक न्यूज पेपर एंड मैगजीन्स ओके इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ पेपर के लिए आजकल न्यूज़ पेपर डिजिटल आ रहा है उसके लिए फिर मैगजीन्स फिर ऑनलाइन बिजनेस शॉपिंग बिलिंग बैंकिंग प्लानिंग वेकेशंस ओके सारा चीज़ ऑनलाइन से हो रहा है बिजनेस भी ऑनलाइन से शॉपिंग बिलिंग बैंकिंग एवरीथिंग लर्निंग कम्युनिकेटिंग वाचिंग मूवीज एंड टीवी वी शोज ऑनलाइन सब चीज़ ऑनलाइन हो रहा है सब इंटरनेट की मदद से बुकिंग रेलवेज एंड एयर टिकट जैसे हम लोग कहीं जाना रहता है तो रेलवे टिकट बुक करते हैं इंटरनेट की मदद से प्लेन का टिकट बुक करते हैं इंटरनेट की मदद से तो इस चैप्टर में हम लोग को इतना ही देखना था ये रिविज़न था जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं तो इस तरह से थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो को देखने के लिए मैं अगला वीडियो भी लाऊँगा और अपने दोस्तों तक ये शेयर करें थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग और आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और आपसे और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताएं अगर कुछ कमी हो तो बताएं थैंक यू कोविड नाइन्टीन स्टे एट होम स्टडी एट होम